फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं एंड ओए देख से हाय से हाय 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 बाय। सामने दो साइड में जो भी खेत और झील देख रहे वो हमारे चाचा और ताऊ जी और पापा के हैं, सबके हैं, मतलब एरिया के जितने भी देख रहे या सब हमारे हैं। और यहाँ जो कितना खेत लगा है, धान का खेत बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी। जब धान पक जाते हैं तब भी अच्छे लगते हैं, जब शुरू में लगाते हैं छोटे छोटे पौधे तब भी अच्छे लगते हैं। देखिए हमारे एरिया से निकल कर अब मेन रोड पर आ गई हूँ, तो अब चलते हैं जय माँ काली बोलकर। तो अभी जा रही हूँ मंदिर, 51 पीठों में जो एक पीठ है मंदिर के लिए अभी रवाना हो रही हूँ, तो बस निकल रही हूँ घर से। मेरे भाभी भी रेडी है और साथ भाई भी है, भाई भाभी और दो बच्चे और मैं जा रही हूँ। और यहाँ दो बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये ट्रिप। तो दर्शन का दर्शन, मस्ती का मस्ती, सब कुछ हो रहा है साथ साथ। तो धूप भी बहुत निकला है, गर्मी भी बहुत है। तो गाइस बहुत दिन बाद त्रिपुरेश्वरी माँ के दर्शन के लिए निकल रही हूँ, पर हस्बैंड ऑफिस में है और त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आ गए हूँ अभी। 51 पीठों में एक मंदिर है त्रिपुरेश्वरी मंदिर। तो देखिए आ गए हूँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, 51 पीठों में जो एक पीठ होते हैं वो त्रिपुरेश्वरी मंदिर। ये है त्रिपुरेश्वरी मंदिर का बाहर से व्यू। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर का जो जलाशय होते हैं वो कल्याण सागर के नाम पर है, वो जलाशय अभी उतरना मना है, तो इसीलिए ऊपर से ही हम लोग देख रहे हैं, ये पानी में जाना पूरा ही मना है।
मंदिर के इस झील में बहुत सारे मछली है और बहुत सारे कच्छप है। और कच्छप की खास बात ये है, मरने से पहले खुद ब खुद माँ के मंदिर के सामने जाकर इतना सीढ़ी से ऊपर उठकर वो मरते हैं। वही एक खास बात है, कभी भी कच्छप जलाशय में नहीं मरते, माँ के द्वार पे जाके ही मरते हैं। बच्चों को टॉर्टोइज और मछली दिखाने के बाद आप गए हो एक पेड़े की दुकान पर, जहाँ से मंदिर के लिए माँ के लिए प्रसाद लूँगी। तो देखिए अभी भोग भी ले लिया माँ के लिए, भोग फूल से आप जा रही हूँ मंदिर में। मंदिर तो आ गई पर आकर देखी दरवाज़ा बंद है, 3 बजे खुलेगा तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। 2 बजे हम पहुँच गए थे मंदिर में भोग लेकर, और जो सामने देख रहे वो दरवाज़ा पूरा ही सिल्वर का दरवाज़ा है। और यहाँ बहुत भीड़ भी है क्योंकि बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न प्रसाद दे रहे। तो अचानक से अंधेरा हो गया और बारिश भी होने वाली है, तो इसीलिए हम एक सिक्योर जगह पर चले गए जहाँ छाव था। तो यहाँ एक शिव मंदिर भी था, तो शिव मंदिर की दर्शन भी हो गया। गाइस देखिए बहुत जल्दी ही बारिश भी आ गया, और यहाँ से एक धूप दीप जलाने का जगह था, वहाँ से एक धुआँ सा उठ रहा था और बहुत सुंदर सी एक खुशबू आ रही थी जो बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। हमने 3 बजे लाइन लगा लिया क्योंकि 3 बजे दरवाज़ा खुलेगा और प्रसाद लेगा पुरोहित आएगा, तो इसीलिए सब लाइन पे आ गए अभी। तो गाइस बहुत इंतज़ार के बाद माँ को भूख लगाना हो गया कॉम्प्लीट, तो अभी नीचे जा रही हूँ कार के पास और शॉप भी जाना पड़ेगा क्योंकि पेड़ा जहाँ से खरीदी थी वहाँ जाऊँगी पैक करने के लिए। मंदिर से निकलते ही देखी आँख, तो आँख जूस खरीद रहे बहुत सारे लोग, तो वहाँ से मैं और मेरे भाभी भी आँख जूस पी लिया। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ दर्शन करके, माँ के दर्शन और भूख लगा कर आ गई हूँ। आज अमावस्या था तो बहुत ही अच्छा था आज की पूजा, अच्छा दिन गया आज का। तो दर्शन के बाद सब कुछ हो जाने के बाद अभी लौट रही हूँ घर, तो चलिए घर चलते हैं। यहाँ घड़ी घड़ी में 4 बज गए और बच्चों को भी थोड़ा भूख लगा, तो बच्चों की फरमाइश पर हम भी कुछ खा लिया, समोसा और रसगुल्ला। बहुत गर्म गर्म था समोसा और रसगुल्ला दोनों ही, और अच्छा भी था। तो गाइस खा पी कर कार में आ गई, तो अब चलते हैं घर। तो
गाइस आ गई हूँ घर के पास ही पास, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर। वहाँ से मम्मी भी बार बार फ़ोन कर रहे और हस्बैंड भी घर पर आ गए, तो इसीलिए मम्मी को टेंशन हो रही। 4 बज गए अभी तक नहीं आए बच्चे, कहाँ है किधर है, मम्मी है तो सोच गई। गैस आ गई हूँ घर के पास से, बस 3-4 मिनट में पहुँच जाऊँगी। और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के कुछ फोटोज़ दिए हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ मैं कबूतरों को कुछ पेड़े खिला रही हूँ, हाथ से कबूतर पेड़े ले जा रहे थे, अच्छा ही लग रहा था, वो फीलिंग्स बहुत अच्छा था।